हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HRUL ने फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू होने से पहले बुधवार से अपना खाद बेचना शुरू कर दिया है। प्रबंधन ने यूरिया की खरीद के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से करार किया है। RCF के खाद कारखाने से HURL के बैग में यूरिया पैक होकर बुधवार को पहला रैक गोरखपुर स्थित नखा स्टेशन पर पहुंची, जहां पर हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक सुबोध दीक्षित, मार्केटिंग डायरेक्टर प्रवीण यादव, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित संबंधित अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद यूरिया को ट्रक के माध्यम से संबंधित जिलों को रवाना किया, जिसको कंपनी के प्रबंध निदेशक ने झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। गौरतलब है कि गोरखपुर खाद कारखाना से फरवरी 2021 तक यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तेजी से काम भी चल रहा है। खाद कारखाना में यूरिया बनाने से पहले HURL प्रबंधन के मार्केटिंग पर जोर देना शुरू कर दिया है। बिक्री के लिए गोरखपुर और बस्ती मंडल में डीलर व रिटेलर भी बना लिए गए हैं। अब बुधवार से इनके पास यूरिया पहुंचने का कार्य शुरू हो गया है। इसके संबंध में लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर प्रवीण यादव ने बताया कि मुंबई के RCF से करार कर के नीम कोटेड उज्ज्वला यूरिया मंगा के HRUL के नाम से मार्केटिंग की जा रही है। इसे गोरखपुर, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर, बस्ती में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि यूरिया से किसानों के फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी व HRUL के मार्केटिंग डायरेक्टर प्रवीण यादव ने कहा, दुर्गा माता की जय, धरती माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जग जगमान का कल्याण हो। ओम महाराज महादेव, हर हर दारिद्र हर 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 महादेव, हनुमंत लाल की जय, नाथ जी महाराज की जय, विकास विश्वनाथ की जय, महादेव की जय, काली माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, महाकृष्ण भगवान की जय, हर हर महादेव। आरती को प्रणाम किया जाए, नहीं धन प्रणाम किया फूल अक्षत लेकर के खड़े हो जाए, भगवान याचना कर लें, अक्षत खुश लेकर भगवान हाथ लेके खड़े हो जाए, भगवान भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आपके सेवा में। ओम अपराध सहस्राणी पूजा से शुरू पहले हरि समया द्वारा तोयमिति एकिनम सुरे पकड़े रहे पकड़े रहे पानी सब कोई कहे मैया कहे न कोई बाबा के दरबार हेलो जैसे अभी खरीफ की धान की रोपाई लगभग हो चुकी है, अब किसानों को पहली टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की ज़रूरत है। ऐसे समय में रैक आया है, निश्चित तौर पर इनके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इस समय यूरिया की डिमांड है। कहाँ कहाँ इसको भेज रहे हैं? अब ये गोरखपुर जनपद में इन्होंने 900 मेट्रिक टन यूरिया दिया है, जो पूरे जनपद में इसका वितरण किया जा रहा है, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से पहली हमारी उत्तर प्रदेश में ये यूरिया की रेक आई है, जो कि
गोरखपुर और आसपास के 5 जिलों के अंदर जाएगी और किसान भाइयों को इस तरह से हमने यूरिया उपलब्ध करवाना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले समय में हमारा गोरखपुर प्लांट और सिंदरी और बरौनी का प्लांट भी यूरिया उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद यूरिया की उपलब्धता जो है भारत प्रदेश में लगभग पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। कहाँ से आया सर ये यूरिया? ये यूरिया अभी बॉम्बे से आया है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का है। वो हम अभी उनसे सीडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके थ्रू हम अभी मार्केट में ये यूरिया उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यूपी में कितने जगह भेज रहे हैं? यूपी में 5 जिलों में जा रहा है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, और कौन सा? सिद्धार्थनगर है, मऊ और बस्ती, पूर्वांचल के। गोरखपुर में कब तक उम्मीद है सर कि यहाँ से गोरखपुर से मिलने लगेगा किसान? गोरखपुर से अभी समय है 21 फरवरी के आसपास जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्ण हो जाए गोरखपुर प्लांट का। ठीक है।